ये अमीर है, इसकी उम्र 14 बरस है और 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। वो फुटबॉल का शौकीन है, उसे हैंडबॉल में भी दिलचस्पी है, उसे सभी मजामीन में दिलचस्पी है, लेकिन साइंस उसका सबसे पसंदीदा मजमून है। अमीर के एक मामू है जो माहिर माहौलियात है, इसी वजह से वो हमेशा जंगलात, पहाड़ों और बयाबानों में जाते रहते हैं। अमीर का दिल हमेशा चाहता था कि वो अपने मामू के साथ पहाड़ों, जंगलात और बयाबान की सैर करे, लेकिन उनके मामू नहीं मानते थे। गुज़श्ता बरस मामू ने सोचा कि अब अमीर बड़ा हो गया है और वो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी आसानी के साथ अमीर और उसके मामू ने ईरान की नेचर का सफर शुरू किया। आप भी अगर नेचर और जंगलात में दिलचस्पी रखते हैं तो आइए हमारे साथ चलिए। आज अमीर के मामू हमें एक ऐसी खातून से मिलवाने का इरादा रखते हैं जिनकी सारी जिंदगी सील के तहफ़्फ़ुज़ पर सर्फ हुई है। ज़रा देर के बाद हम इस खातून और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर उनके कामों से आगाही हासिल करेंगे। अमीर जेलिस्टों की टीम के साथ उरूमिया जाता है और नमकीन पानी वाली दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी उरूमिया झील की सैर करता है। क्या आपको सील या जियोलॉजी दोनों में दिलचस्पी है? अगर ऐसा है तो हमारे साथ रहिए। पहले चलेंगे बंदरे तुर्कमन, जहां के लोगों का सामना कैस्पियन सी के साहिल पर सील से होता है। मोहतरमा हार्ट बहुत चाको चौबंद हैं, वो किसी एक जगह नहीं ठहरती। वो जब भी ईरान आती हैं तो सील को देखने के लिए अपनी किस्मत आजमाई करती हैं। इस सफ़र में अमीर एक और अमीर से आशना होता है, अलबत्ता वो इससे बहुत बड़ा है। वो जानवरों का डॉक्टर है और कैस्पियन सील की हिफाजत के लिए मोहतरमा हार्ट की मदद करता है। वो आशुरादा जा रहे हैं। ये ऐसा जजीरा है जहाँ बाज़ औक़ात कैस्पियन सील साहिल पर आ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हों तो शायद उनको दरिया के अंदर, अलबत्ता साहिल के करीब देख सकें। हर जानवर की हिफाजत के लिए सबसे पहले इन जानवरों के करीब ज़िंदगी गुजारने वाले इंसानों से दोस्ती करना होती है। यहाँ लोगों ने बहुत दिलचस्प काम किए हैं, आप सब मिलकर देखते हैं। Also, they have information on it, so I can translate it. That's good. Yo, Khazamun Islam Sahib ko yaad denge. Yeah, inshallah. He is Amir. Yeah, he is with me. He is a boy. He loves so much nature that he likes to be involved in the seals. इसका नाम अमीर है। ये मोहतरमा लेज़नी के दोस्तों में से हैं। बहुत खुश हैं कि इस इलाके में आए हैं। ये कुदरती माहौल में आने और इस इलाके के लोगों से मिलना चाहते थे। Like Amir, have interest for nature, but also for the people who are living in the same area. You cannot save nature without save to do something for the local people. बहुत खुश हैं कि अमीर जैसे नौजवान इस उम्र में नेचर और लोगों पर तवज्जो दें और ये आपस में कहते हैं कि हम सिर्फ नेचर के लिए काम करने नहीं आए हैं बल्कि लोगों की खिदमत के लिए भी आए हैं। It's for me also. It's not only the environment that they will also help the people at the moment. One of the ladies is organizing it here, also that people have good food and work. ये कह रहे हैं कि हमने चंद अफराद से बात की है और पूछा है कि इस इलाके के लोगों की क्या मुश्किलात हैं। और हम ईरान में भी मंडी की तलाश में ताकि इस जानवर की सिर्फ तस्वीर ना हो, मसलन बड़ी फैक्ट्रियों के वसत में इसे उनके लिए शाया करें ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। इसको तैयार करने में कितने साल लग जाते हैं? 10 से 15 दिन। आपने खुद क्या सील को देखा है? कितने अफराद ने देखा है? जी हाँ, इस वक्त इस वक्त मुझे एक क़ालीन दिखाया गया। बाद में कहा गया कि समंदर से सील को शिकार करते थे, फिर अपने सहन में वाक़ हौज़ में रखते थे और जो उसे शिकार करता था वो लोगों से पैसे लेकर उनको दिखाता था। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि अब कोई ये काम नहीं करेगा, अलबत्ता मेरी ये आरजू है। लोगों को पता चल चुका है कि सील्स की हिफाजत के ज़रिए से उनकी आमदनी ज़्यादा होने के रास्ते और भी निकल आएंगे। मेरा नाम लेनी हार्ट है। मैं हॉलैंड में सील्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर की बानी और डायरेक्टर हूँ। मैंने ये काम 30 साल कबल एक टोकरी के साथ अपने घर के सहन में शुरू किया था, सिर्फ एक सील के साथ, सील के एक बच्चे के साथ जो वहाँ के साहिल पर गुम हो गया था। लेकिन बाद में सील्स की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि हमने एक बहुत बड़ा सेंटर कायम कर लिया जिसमें हर साल 200 से ज़्यादा सील लाए जाते थे। जब सील मरकज़ में दाखिल होता है तो पहले क़ारंतीने में जाता है। क़ारंतीना अहम है, गर्म जगह है, यहाँ हवा का ख़ास इंतज़ाम है। देखिए किस कदर शौक़ के साथ हर चीज़ के बारे में बता रही हैं। आखिर इसकी ज़िंदगी का नतीजा है, उसने इस काम की तरक्की के लिए बहुत ज़हमत की है। यहाँ सील के इलाज के लिए दुनिया का सबसे अच्छा अस्पताल कायम है। जब सील यहाँ लाए जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर जाल में फंसे हुए होते हैं और उनके बदन पर बड़े ज़ख्म होते हैं। हम हेरिंग मछली को उनको खिलाते हैं। ये मछली सील्स की खुराक है। हमारे पास बेहतरीन किस्म के हेरिंग मछली है और बहुत अच्छी कैफियत की। बंदर तुर्कमन वापस चलते हैं। अमीर को मोहतरमा लीनी से बहुत से सवालात पूछना है। आया इसकी जो जेल या स्किन है वो मछली या शार्क की जैसी है? उसकी स्किन मछली और शार्क की जैसी नहीं है। इसका कोट बहुत खूबसूरत है और फोक के बच्चों के बाल सफ़ेद होते हैं क्योंकि जब तक वो अपनी माँ का दूध पीते हैं तब तक वो बर्फ या ज़मीन पर रहते हैं। 3 हफ्तों तक वो फुल फैट मिल्क पीते हैं यहाँ तक कि उनकी जेल के नीचे चर्बी आ जाती है। उसके बाद वो पानी में जाते हैं और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनका कोट जब गीला होता है तो प्लेन होता है, लेकिन खुश्क होता है तो उस वक्त पता चलता है कि उसके बाल हैं, यानी उनके पानी में जाने के लिए बहुत उम्दा बनाया गया है। ये 20 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं। मिथुने 20 मिनट? ये तो दूसरे बहुत से ममालिया जानवरों की नज़र ज्यादा है। हाँ, यहाँ इस तरह सांस लेता है और फिर पानी के नीचे जाता है। उसके खून का सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ दिल, जिगर और बहुत से अहम उनके फेफड़ों तक खून पहुंच जाता है। मसलन उनके हाथों में खून नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि जब उनके हाथ ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो ये बाहर आकर सांस लेते हैं। अलबत्ता ये इल्मी एतबार से साबित नहीं हुआ है, सब ऐसे करते हैं। उनके फैंस में चर्बी नहीं होती, दो फैंस उनके पीछे की जानिब होते हैं और एक छोटी दोम और दो फैंस आगे होते हैं। ये चर्बी उनको सर्दी और गर्मी से बचाए रखती है। सिर्फ उनके हाथ और पाँव बाहर होते हैं। गदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आमिर अपने मामू और माहिर हयातियात डॉक्टर शरीफी के साथ उरुमिया झील जाता है ताकि झील के बारे में अपने सवालात के जवाब हासिल कर सके। ये माहिरीन हयातियात भी अजीब व गरीब काम अंजाम देते हैं। हम तकरीबन 10 साल पहले भी उरुमिया झील में काम करते थे। 10 साल पहले झील की सूरत हाल ऐसी नहीं थी। उस वक्त हम कश्ती पर बैठकर ही यहाँ आ सकते थे और नमूना लेते थे, लेकिन अफसोस कि अब झील में पानी की कमी की वजह से झील की सतह बहुत नीचे आ चुकी है। मौसम गर्मा में अब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। झील में तबखीर के अमल में तेज़ी पैदा हुई है, जिसका नतीजा ये निकला है कि 10 साल पहले जहां हम कश्ती के साथ आते थे, लेकिन अब बैठे के साथ पैदल चल सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ उरुमिया झील एक प्याले की मानिंद है। तुम्हारे पास दरिया हैं जिनका पानी इस प्याले में दाखिल होता है। गर्मी तबखीर का बाइस होती है, तबखीर के अमल से भाप पानी से खारिज होती है। तबखीर एक हद तक झील के पानी को नीचे ले जा सकती है, यानी चंद सेंटीग्रेड या आशारिया चंद सेंटीग्रेड तक दर्जे हरारत पहुंचना साल के दौरान तबखीर की मिकदार को मुतासिर करता है और पानी की सतह नीचे चली जाती है। झील में पानी की मिकदार का दाखिल होना झील की सतह के तयन में अहम किरदार का हामिल है। झील में जिस कदर कम पानी दाखिल होगा, उसी कदर तबखीर ज़्यादा मौसर वाक़ होती है। हाँ, इसमें कौन सा पानी दाखिल होता है? इर्द गिर्द के दरियाओं से मीठा पानी झील में दाखिल होता है। अहम तरीन दरियाओं में दरियाए जरीना, दरियाए सेमिनिया है, जो उरुमिया झील के जुनूब में वाक़ हैं और झील में निस्फ से ज़्यादा पानी उन्हीं से आता है। झील में बाकी पानी उसके मशरिक, मगरिब और शुमाल में वाक़ दरियाओं से आता है। उन दरियाओं में ख़ास मौसमों में ही पानी होता है। फिर भी झील में पानी पहुंचाने के सिलसिले में उनका भी अहम किरदार है। अब अगर हम इस पानी को रोक दें और काफ़ी मकदार में झील में पानी दाखिल ना होने दें, तो जाहिर है कि तबखीर की वजह से झील मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। अब हम मोहतरमा हार्ट के इंतजार को ख़त्म करते हैं, हॉलैंड चलते हैं और सील की परवरिश के दूसरे मकामात को देखते हैं। फिर वापस उरुमिया लौट आएंगे। ये 1 साल का है। इस फक के बदन में पैरासाइट दाखिल हो गया था, लेकिन हमने इसका इलाज किया। हमने कीड़े मार दिए। 1 साल के बाद वो वापस नहीं आए। अब ये पैरासाइट इसमें मुंतकिल नहीं होगा और ये 40-50 साल तक जिंदा रह सकता है। फक 45 बरस तक जिंदा रह सकता है। हमारा तालीमी प्रोग्राम सालाना 1.5 लाख अफराद इसे देखने यहाँ आते हैं। बहुत हैं। हमारा देहात छोटा है। यहाँ पेटरबॉर्न में सिर्फ 450 अफराद रहते हैं। और हर साल 1.5 लाख अफराद को देखने यहाँ आते हैं। ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं ताकि वो इनको करीब से देख सकें। देख रहे हो, बहुत मुतजस्सिस हैं। और इनको देखो, अमीर भी सील देखने के लिए बेचैन है। इंग्लिश में बच्चों की तादाद पूछ सकते हो? कितने बच्चे इनके यहाँ होते हैं? एक ही बच्चा पैदा होता है, बाज़ औक़ात 2 होते हैं। गुज़िश्ता बरस एक मादा फोक मार गई थी, इसके 2 बच्चे थे। बाज़ औक़ात 2 होते हैं लेकिन अक्सर एक ही होता है। तो क्या फिर वो बच्चा देने के बाद साहिल को छोड़ के उनकी माँ चली जाती है बच्चों को? बाज़ फोक हर वक्त अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, हमारे फोक भी ऐसे हैं, लेकिन बाज़ मादा फोक अपने बच्चों को साहिल पर छोड़कर खुद मछलियाँ पकड़कर वापस आती हैं। वो फोक जाते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन हॉलैंड के फोक, ये फोक जो हमारे पास हैं, ये अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि वापस लौट आएंगे। हम फिर उरुमिया आ गए हैं। आमिर यहाँ आया ताकि जियोलॉजी से मुतालिक तहकीकाती कामों को करीब से देख सके। पकड़े रहो। अमीर, उनमें से एक रेंज मुझे दोगे? अगर दोनों ही ले आओ तो बेहतर है। शुक्रिया। क्या आपने कभी जमीन के अंदर से नमूने हासिल करते हुए देखा है? वाकन अजीब काम है। ये रहा नमूना। अमीर, यहाँ तक देखो, यहाँ पर मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं। ये देखो, इनमें से हर रंग झील में ख़ास हालात का तयन करता है। हम इस तसलसल से फ़ायदा उठाकर दरहकीकत झील में रूनुमा होने वाले वाक़यात के मद्देनज़र हम क्लाइमेट चेंज को एक तरह से उसकी सिमुलेशन कर सकते हैं। अब हमें इस नमूने की इत्तलात को दर्ज करना है, यानी यहाँ मैं इसका फोटो खींचूंगा, नंबर लगाऊंगा और लिख लूंगा ताकि भूलने ना पाए। हमने जो नमूना लिया है उसके ऊपरी और बालाई हिस्सों को मुअय्यन करेंगे। ये ऊपरी हिस्सा है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि यहाँ की गहराई नीचे वाले हिस्से से कम है। उसके बाद हम नंबर लगाते हैं ताकि गुड़मुड़ ना हो जाए, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 5-6 लेने के बाद तरतीब मुअय्यन की जाती है ताकि मालूम हो कि किसका ताल्लुक़ किसके साथ है। अब बाद वाला मरहला यह है कि नेचर में अपने नमूने की तस्वीर ली जाए। चूँकि ये बहुत लंबा है इसलिए मुझे मजबूरन मुतादिद फ़ोटो लेना होंगे। उसके बाद वाला मरहला यह है कि हमने जो नमूना लिया है उसे इससे अलग करें। इस काम के लिए हम एक डोर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे नमूना बहुत ज़्यादा चिपकने वाला है, इसलिए डोर के साथ उसे अलग करते हैं। ये खुश्क हो गया है यहाँ पर? नहीं, मुकम्मल तौर पर गीला है। इसी वजह से हम उसे जल्दी महफूज करना चाहते हैं ताकि उसकी रतूबत ख़त्म ना हो। क्या आप उसे उलट देंगे? अभी इसे उलट देंगे ताकि हम कबल इसके कि हम इसे बंद करें। इस हिस्से को देखो अमीर, देख रहे हो इसका रंग गहरा है, जी काला है, सियाह है। नमूने का बाकी हिस्सा गीली मिट्टी जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा रेत जैसा है। इसे याद रखना, बाद में तुम्हें बताऊंगा कि इससे वाज़े होता है कि रेत की ये तह नमूने में क्यों होती है और ये तह क्यों जमी है। अब आपको यकीन आया कि ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें बाहर आती हैं वो इस झील की लाखों साल पुरानी सरगुजश्त से हमें आगाह कर सकती हैं। आमिर सब बातें सुन रहा है और सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं आता। यहाँ हॉलैंड में मोहतरमा लीनी बड़ी कामयाबी से सील्स की हिफाजत कर रही हैं। और अब एक बुनियादी सवाल वो ये कि कैस्पियन सील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके कैस्पियन सील या फोक एक तरह से नस्ल के खात्मे का ख़तरा लाहिक है। ये रेड लिस्ट में है, यानी फोक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कोशिश से दरिग नहीं करना चाहिए। थ्योरी की हद तक तो आसान है, क्या अमली तौर पर भी आसान है? जी हाँ, मुमकिन है। हमें 3 काम करना होंगे। हम कैस्पियन सी को नजात देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक भी हैं। अलबत्ता मेरे ख्याल में तजुर्बाती प्रोग्राम शुरू करने के लिए ईरान बेहतरीन मुल्क है। वो फोक के सिलसिले में सारे काम अंजाम दे सकता है और इसका दायरा तमाम ममालिक तक फैल सकता है और सब मुल्क से बड़े प्रोग्राम पर अमल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपको यहीं से शुरू करना चाहिए। आप साहिल के किनारे से ही शुरू कर सकते हैं। इसके बाद फोक को आज़ाद कर दें और इस अरसे में लोगों को सूरत हाल से आगाह करें। जब मैं तेहरान में थी तो मैंने लोगों से पूछा कि फोक से आगाह है, तो वो कहते थे फोक क्या है। हर चीज़ से कबल फोक को मशहूर मकबूल बनाना होगा। इसी तरह स्ट्रजन मछली को भी, जो कैस्पियन सी में है, लेकिन फोक को एक अलामत में बदलना होगा। सच ही बताएं कि कितने अफराद जानते थे कि कैस्पियन सी में सील भी हैं। अब हम जानते हैं कि और हम ये भी जानते हैं कि इस खूबसूरत जानवर की नस्ल खतरे में है और इसे मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत जानवर को उरूमिया झील और सारी नेचर को, बल्कि हमारे घर यानी कुरे अर्ज़ को हमारे लिए आराम और सुकून के लिए खल्क किया है। आइए इन सारी नेमतों के शुक्रगुजार बने और अपने और आइंदा नस्लों के आराम और सुकून को ख़तरे में न डालें। नेचर की हिफाजत करें। बहरहाल सील की कहानी अभी जारी है। आइंदा चंद प्रोग्रामों में भी हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। अलबत्ता अगले प्रोग्राम में उरूमिया की सेहत की बिना पर जियोलॉजी में अमीर की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। वो एक बार फिर अपने चचा आरश यानी डॉक्टर शरीफी के साथ एक गार देखने जाएगा। आइंदा प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और आगाह करेंगे कि गारें कैसे वजूद में आती हैं, उनकी उम्र का तयन कैसे किया जा सकता है और उनमें क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तो आइए आइंदा प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए।